नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बुर्गु फार्मा में आईडी लगाने के लिए बताऊंगा। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, बुर्गु फार्मा प्राइवेट लिमिटेड क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पे करना है या आपका ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, इसको आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको डालनी है रेफरल आईडी, जिस आईडी का आपको रेफर लगाना है। फिर यहाँ पर आपको पोजीशन देखनी है, लेफ्ट में लगाना है राइट में, उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर मिस्टर मिसिज जो भी उनका होगा वो कर लेते हैं। फिर इसमें भरते हैं नाम, जिसके नाम की आईडी लगानी है हमें, ये ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मिडिल नेम आप कुछ डालो, लास्ट नेम में डाल लो। अगर ज़्यादा बड़ा नाम है तो मिडिल नेम में भी डाल सकते हैं, तीन डिजिट का नाम है तो मेल में, और यहाँ मेल और फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आपके पास मेल एड्रेस है तो मेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने डालना है पोस्टल कोड। सबसे पहले पोस्टल कोड इम्पोर्टेंट है, ये पोस्टल कोड डालने के बाद ही जहाँ जहाँ का एरिया होगा वहाँ से टाउन अपना बेट एरिया का तो उठा लेगा। और यहाँ पर डालना है हाउस नंबर, हाउस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं अगर हो तो वो डाल लें। इसमें डालना है उनका जिस विलेज से है, जिस एरिया से है, जिस शहर से है, जिस कॉलोनी से, वो डालना है। तो एड्रेस पूरा भरने के बाद आप आराम से देख करके फिर यूज़र नेम डाल सकते हैं, जो भी यूज़र नेम होगा। जैसे धर्मेंद्र है तो उसका यूज़र नेम डाल दे DHRM धर्म, शॉर्ट भी डाल सकते हैं, यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे धर्म 99 डाल दिया मैंने, तो उसमें पासवर्ड भरे, मैं तो भर रहा हूँ BH123, इसे बाद में बदल लेना है आपको पासवर्ड BH123, ताकि हमारे याद रहिए। उस पर राइट में क्लिक करके आपने देखना है कि लेफ्ट या राइट है, चेक करके आप इसको साइन अप कर देना है। नेट आपका कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और आपको आईडी पासवर्ड आ जाइए, उसको फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर आपकी जो आईडी है वो लग गई है। धन्यवाद।